बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, रमज़ान फर्स्ट रमज़ान तक स्पेशल ऑफ़र है कनाडा और यूएसए। अगर आप यूएई से या ओमान से अप्लाई करवाते हैं तो सिर्फ 3000 दिरहम, जो कि 300 ओमानी रियाल बनते हैं, ये एक स्पेशल ऑफ़र रमज़ान फर्स्ट रमज़ान तक है। सबसे पहले क्योंकि ओमान में ऑफिस ओपन कर रहे हैं तो उस खुशी में हमने ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र रखी है, जिससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। यूएसए ये अभी टाइम है, ये टाइम अभी एक महीना आपके पास, 15-20 दिन एक महीना है। इसके अंदर अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो देन आप वो जो क्रिकेट वाला एक हाइप बनी हुई है उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में पीछे बताया था कि फरवरी के महीने में तकरीबन कोई 10,000 के करीब पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़े लगे थे, जो कि मिडल ईस्ट से लगे थे। तो लिहाजा भी टाइम है, इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। कनाडा भी वीज़ा रेशो अच्छी है और इस ऑफ़र में हम आपको अगर आप यूएई में मौजूद हैं तो अर्ली अपॉइंटमेंट भी देंगे। ओमान में वैसे ही अपॉइंटमेंट यूएसए की जल्दी मिल जाती है। इसमें आपकी पूरी फाइल तैयार करेंगे, कंसल्टेंसी करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपकी सबमिशन करेंगे और यूएसए के लिए इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे। और इसमें एम्बेसी फीसेस भी शामिल हैं, हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस भी शामिल है। तो लिहाजा अगर आप यूएसए या कनाडा दोनों में से कोई एक करना चाहते हैं तो अब आपको एक बहुत रीज़नेबल ऑफ़र में दोनों कंट्रीज़ का पैकेज दे रहे हैं। जो है कनाडा, उसकी बायोमेट्रिक विद इन वीक मिल जाती है और यूएसए की जो है आपको अपॉइंटमेंट 90 दिन के अंदर लेके देंगे, 60 से 90 दिन के अंदर। और ये सारी चीज़ें आपको जस्ट 3000 दिरहम में एक स्पेशल ऑफ़र, फर्स्ट रमज़ान तक ये ऑफ़र मौजूद है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। यूएसए टूर्नामेंट की वजह से वीज़े अच्छे दे रहा है। कनाडा में इस वक्त एक दफ़ा पिछले 3-4-5 माह बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने वीज़े अप्लाई किए और अब एकदम फिर रुक क्यों गए। कुछ गलत लोगों ने, कंसल्टेंट जो हैं उन्होंने गलत तरीके से फाइल्स बनाई, फेक इनविटेशन लगाए, बहुत सारे लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हुए, रिजेक्ट हुए और बैन हुआ, सबसे बड़ा बैन। और यहाँ तक हुआ कि वो एयरपोर्ट पे जाके वापस आना पड़ा। तो फिर साथ ही उन्हीं लोगों की तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि कनाडा का जो सिस्टम है वो स्लो हो गया है, या कनाडा के जो वीज़े हैं अब नहीं लग रहे हैं, सख्त कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आज से 4 माह पहले सिस्टम था ऐसा ही अभी है, लेकिन अच्छी डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर काम करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे सही तरीके से, तो कनाडा वीज़ा देगा। तो लिहाजा ये एक ऑफ़र थी और ये आप लोगों के सामने मैंने रखनी थी। आप यूएई में हैं या ओमान में हैं, इन दो मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए ये ऑफ़र है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में ऑफिस हैं तो आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप दोनों के ऊपर बने हुए हैं, दोनों से रब्ता होगा मेरे साथ, तो आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर। वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों तक ये मैसेज पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।